दादी जान देखिए आपको चार लोगों ने पोक किया है। किसने पोक किया है, मुझे क्यों पोक करेंगे? देखिए ना यहाँ पे 1 2 3 4। क्या हंसी मजाक चल रहा है नौजवानों? दादी जान पापा आपको कुछ कह रहे हैं? चल हट नौजवान, वो तुझे नहीं मुझे बोल रहे थे। वैसे इस वक्त आपको यहाँ बिल्कुल तैयार देखकर मैं हैरान हूँ दोरुख साहब। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ मिस्टर नजात सरसलमाज। वाह, अच्छा तो मुंह खोलो और अच्छे से खा कर जाना मेरे अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे, सयाना हो गया है ना? आज काम पे जा रहे हो, कल घर गृहस्थी भी संभाल लोगे। दादी जाना आपने फिर से शादी के बाद शुरू कर दी जबकि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। बेटे मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत खुश हो। तुमने कई साल वेट किया है कि तुम्हारा भाई तुम्हें कोई जॉब ऑफर करे, तो जल्दी उठा करो और ऑफिस जाया करो। नहीं पापा, मैं यह जॉब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल है। मतलब आज मैं जल्दी उठाऊं उसकी कोई और वजह है। तो आज क्या खास बात है नहीं बताओगे? जब भाई अंकारा में थे तो मैं बिजनेस संभालता था, तो उस वक्त के एक डील का आज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है पापा। बढ़िया। दोरुख तुम्हारी अम्मी नहीं आई? उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए वो सुबह ही बाहर चली गई। बिजनेस वूमन है भाई। गुड मॉर्निंग डेरिया मैम। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। सुनो, मुराद से कहना जो मैंने मार्क किया है वो आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट में जरूर डाले। पर ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिस्टर दोरुख आज साइन करने वाले हैं। वो सब मुझे पता है, पर मैम वही करो जो मैंने कहा है। मैं चाहती हूँ मुराद इस आर्टिकल के बारे में मीटिंग शुरू होने के बाद जाने, लेकिन ठीक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले। टाइमिंग बहुत जरूरी है, समझी? Thank you.